नमस्कार, आप देख रहे हैं जे एन आई न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आ रहे। बहराइच ग्राम विकास अधिकारियों के घर पर चोरी ने बोला धावा। केसरगंज में तैनात ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण मोहन त्रिपाठी के घर पर चोरों ने बोला धावा। घर का ताला तोड़कर 50 लाख के जेवरत व 2.5 लाख की नकदी समेत लाखों का माल लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरों के करतूत की वारदात। पीड़ित का पूरा परिवार बच्चे का मुंडन संस्कार कराने गया था हरिद्वार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोतवाल देहात क्षेत्र के रायपुर राजा इलाके की वारदात है। आइए देखते हैं बहराइच ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर की इस रिपोर्ट में। कृष्ण मोहन त्रिपाठी क्या करते हैं? ग्राम विकास अधिकारी। कहाँ पे थे ना? कैसरगंज बहराइच। अच्छा, क्या मामला है? जो आप लोग कहाँ गए थे और क्या हुआ घटना? हम लोग 2 तारीख की सुबह हरिद्वार गए थे अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए, जिसमें जो है हम लोग 2-3 तारीख को हम लोग जब मुंडन करा चुके, फिर हम लोगों ने 3 तारीख को रुके। 4 तारीख की सुबह जैसे ही चलना वहाँ से मतलब हमने शुरू किया, तो तब तक हमारे पास ये सूचना पहुँची कि हमारे घर में चोरी हो गई है, जिसमें जो है उसकी सूचना हमें हमारे सामने रह रहे बाबा और बगल में रह रहे पाल अंकल जी ने दी, जिससे कि हमें पता चला कि हमारे घर का पूरा ताला टूटा हुआ है और अंदर जो है सारे ज्वेलरी उसकी चोरी हो गई है। फिर हम जो है वहाँ से निकले और 5 तारीख की सुबह हम यहाँ पहुँचे। 5 तारीख की सुबह हम जैसे ही पहुँचे हैं यहाँ पर, फिर हमने जो है आके देखा तो जो उन्होंने सूचना दी थी वो एकदम सत्य थी, और मतलब हमारा पूरा सामान और ज्वेलरी सहित नगद चोरी हो गया था। और उसमें एक सूचना ये भी सीसीटीवी के माध्यम से प्राप्त हुई है कि ये जो घटना हुई है ये 4 तारीख की सुबह, मतलब 4 तारीख की सुबह लगभग 2:45 बजे हुई है। कितने अनुमान कितने लग रहा है, कितने की चोरी हुई, क्या क्या हुआ, कितने लागत? लगभग 50 लाख के हमारे जो है, जो मम्मी के हमारे पुश्तैनी जेवर थे, जो हमारे बहन के जेवर थे, जो हमारी पत्नी के जेवर थे, जो हमारे लड़के के लिए कुछ जो जेवर और गिफ्ट मिले थे, कई गिफ्ट में मिले हुए थे, वो सारे जेवर जो है मतलब लेके चले गए हैं चोर। और उसके अलावा LED TV और ट्राली बैग, और ट्राली बैग के साथ में ट्राली बैग में वो जो जो सामान हम अपने लड़के का मेरे मुंडन होने वाला था 12 तारीख में, और जिसका हम मुंडन कराने ही गए थे, उसके लिए हम लोग फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना चाह रहे थे 12 तारीख में, तो वो भी पूरा वो लेके मतलब उसके लिए हमने कुछ सामान, इसीलिए सामान ला के रखा हुआ था, कुछ कैश ला के रखा हुआ था, तो वो उसकी व्यवस्थाएं भी चल रही थी। कैश लगभग कितना था आपका? कैश लगभग 2.5 लाख। 2.5 लाख जी। ये सभी लोग कहाँ गए थे आप लोग? हम सभी लोग गए हुए थे हरिद्वार, अपना भी, हमारे चाचा का परिवार भी, और हमारी जो बहन के हमारे ससुराल है उनका परिवार भी, सब लोग।